9% से लेकर 12% तक रिजर्वेशन मिलना चाहिए और हमारे आईन के कॉन्स्टिट्यूशन की आईन की आर्टिकल 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत रिजर्वेशन मिल सकता है। तो सुधीर कमेटी ने ये तमाम चीजें गौर की और सुधीर कमेटी ने ये कहा कि सिर्फ मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास है तेलंगाना में, उसमें से सिर्फ 13.3% यानी 13% लोग सिर्फ मैट्रिकुलेशन मुकम्मल करते हैं और 16% मुसलमान कभी भी किसी भी तालीमी इदारे में शामिल नहीं हुए हैं। ये हमारे शेड्यूल ट्राइब भाइयों से उसके बाद तेलंगाना के मुसलमानों का दूसरा नंबर आता है। और साथ ही साथ शेड्यूल कमेटी ने ये भी कहा कि मुसलमान ड्रॉप आउट रेट में सबसे ज़्यादा है और मुसलमानों की तालीम तर्क करने के कई वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास मुसलमान बच्चों और बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसों की कमी है और इसीलिए ये बड़ी वजह बनती है कि मुसलमान अपनी गरीबी की वजह से अपनी औलाद को तालीम नहीं दिला सकता। और उस रिपोर्ट सुधीर कमेटी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 62% मुसलमान तेलंगाना में नॉन पक्का घरों में, नॉन पक्का हाउसेज में रहते हैं, जो तमाम दीगर कम्युनिटी से सबसे ज़्यादा है। सिर्फ 10% मुसलमानों को बैंक से लोन मिलता है, सिर्फ 5% मुसलमान इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल करते हैं, जबकि हम आबादी में 13% हैं और हमारे सिर्फ 5% बच्चे इंटरमीडिएट बच्चियां तालीम एनरोलमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितने बाहर हैं। हुकूमत में मुसलमानों के नौकरियों में कितना तनासुब है और हुकूमत में दीगर जितने महकमे जात हैं उस पर मुसलमानों की नुमाइंदगी का तनासुब क्या है। और सिफारिशात भी उस रिपोर्ट ने पेश किए थे तेलंगाना की हुकूमत को। तो सुधीर कमीशन की रिपोर्ट 2016 में उसको कमेटी बनाई गई थी, तो उसके बाद उस कमेटी ने तेलंगाना के मुसलमानों के ताल्लुक से कहा कि तेलंगाना के मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट है मुसलमानों के अंदर, वो हमारे हिंदू भाइयों के बैकवर्ड कास्ट से भी उनका मौका कम है। और उस रिपोर्ट ने कहा था कि तेलंगाना के मुसलमानों को, जो मुसलमानों में बैकवर्ड कास्ट है, मुसलमानों पूरे मुसलमानों को नहीं, जो मुसलमानों में बैकवर्ड कास्ट है उनको रिजर्वेशन या तहफ़ुज़ात मिलना चाहिए। और इसलिए नहीं बल्कि मुसलमान इसलिए क्योंकि जो पसमानदगी का, बैकवर्डनेस का क्राइटीरिया है जो मंडल कमीशन ने इंदिरा साहनी के जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस बुनियाद पर मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास है कास्ट को उनको मिलना चाहिए। और उस कमीशन ने यह कहा कि 4% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को मिल रहा है वो नामुनासिब है, क्योंकि उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुसलमानों में 81% जो मुसलमानों में जो कास्ट है बैकवर्ड क्लास की वो पसमानदा है, बैकवर्ड है। तो उस कमीशन ने, सुधीर कमेटी ने ये सिफारिश पेश की कि मुसलमानों को रिजर्वेशन तहफ़ुज़ात 9% से और 12% तक मिलना चाहिए, 9-12% को उन्होंने सिफारिश की सुधीर कमेटी ने, जिसमें हमारे क्रीमी लेयर को भी शामिल किया गया, जो मुसलमान क्रीमी लेयर में नहीं आते, मुसलमान गवर्नमेंट पोस्ट पर है। और उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम वर्कर्स जो हैं वो कैजुअल लेबर में काम कर, कैजुअल लेबर के तौर पर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। अगर आप देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा है मुसलमानों में, 26.5% मुसलमान वर्कर्स कैजुअल लेबर के तौर पर जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर काम करते हैं। उसके बाद नंबर आता है हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों का 23.1% और शेड्यूल ट्राइब लोगों का 23.8%। सिर्फ 4% मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयड एग्रीकल्चर में और कैजुअल लेबर का आपको बता दिया एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का। तो इससे तमाम बातें मालूम होती हैं कि ज़्यादा मुसलमानों के पास ज़मीन नहीं है और बेरोजगारी मुसलमानों में सबसे ज़्यादा है।
तो इसीलिए ये आदाद और शुमार मैं पेश आपके सामने कर रहा हूं, क्योंकि ये तेलंगाना की हुकूमत की बनाई हुई सुदीर कमेटी की रिपोर्ट है। इसीलिए मैं आज के इस फंक्शन से तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं कि तेलंगाना के मुसलमानों को जो 4% रिजर्वेशन मिल रहा है वो नाकाफी है, और हम खैर मुकदम करते हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन 10% किया है, हम उसका वेलकम करते हैं। हम हुकूमत तेलंगाना से वजीर आला के चंद्रशेखर राव से अपील करते हैं, इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह से सुदीर कमेटी ने कहा कि 9 और 12% के दरमियान रिजर्वेशन मिलना चाहिए, फिर ये सुदीर कमेटी। श्री लक्ष्मी हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, जहां मां और बच्चे का एक फैमिली की तरह ख्याल रखा जाता है। नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ 15,000 में, ऑपरेशन सिर्फ 30,000 में, HD लैप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी सिर्फ 25,000 में, जदीद टेक्नोलॉजी वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, माहिर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपिका MG की निगरानी में ऑपरेशन। श्री लक्ष्मी हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, पिलर नंबर 1555, चैतन्यपुरी, हैदराबाद। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9995937855। LR कलेक्शन मर्द खवातीन और किड्स वेयर के लिए आज ही तशरीफ लाएं। जी हाँ, लेडीज के सूट्स, नौजवानों के लिए जींस पैंट और रेडीमेड गारमेंट्स, और बच्चों के लिए किड्स वेयर का बेहतरीन कलेक्शन वाजिब दाम पर दस्तियाब है। LR कलेक्शन दुबरू स्टेट बैंक चौराहा महबूब नगर। LR कलेक्शन।